नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या ने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां विकास दुबे जैसे अपराधियों को ठिकाने लगाकर पुलिस अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा ठोकती है, वहीं एक साल से अपनी भांजी के साथ हो रही छेड़छाड़ की बार बार पुलिस में शिकायत करने पर भी पुलिस का ढीला रवैया विक्रम की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। हर बार सवाल यही उठता है कि यूपी में कौन सुरक्षित है, आम लोग या फिर बदमाश। जो पत्रकार देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को जनता के सामने लाता है, आज वो खुद ही खबर बन गया है। गाजियाबाद, यूपी का वो जिला जो देश की राजधानी दिल्ली से सटा है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश का नामी जिला है। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रात के अंधेरे में हुई एक हत्या से बेनकाब हो गई है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सीएम योगी के तमाम प्रयासों के बावजूद कितनी लचर है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सोमवार की रात बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मार दी, क्योंकि उसने 16 जुलाई को भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस को की थी। हालांकि पुलिस ने 9 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस कार्रवाई के लिए विक्रम को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिंदा रहते विक्रम ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस मानो कानों में तेल डाले बैठी थी। ना तो जान से मारने की धमकी पर संज्ञान लिया गया, ना ही आरोपियों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी दिखाई गई। इसका अंजाम ये हुआ कि विक्रम को सरेआम और सरेराह गोली मार दी गई। अब अंदाजा लगा लीजिए, जब एक पत्रकार की शिकायत पर पुलिस का रुख ऐसा है तो आम जनता के प्रति उनका व्यवहार और नजरिया क्या रहता होगा। जब मृतक पत्रकार के परिवारजनों ने विक्रम के शव को लेने से इनकार किया और कार्रवाई की मांग की, तो कार्रवाई के नाम पर आनन फानन में पुलिस चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया और मुआवजे के ऐलान के साथ साथ पत्रकार की बच्चियों की पढ़ाई और सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों है? क्या कानून व्यवस्था का खौफ बदमाशों के जहन से निकल चुका है? आखिर शिकायत के बावजूद पुलिस हरकत में क्यों नहीं आई? और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक ये कहा जाएगा कि यूपी में कानून राज के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।